करेगा। मैं जिस कस्बे में रहता था, मुझे आज भी याद है, वहां एक कंपनी सेक्रेटरी सज्जन थे, सीए भी नहीं थे वो। उन्होंने गाजियाबाद के किसी सीए से मोहर लगवाने का काम ले रखा था। समझ गए होंगे आप। और शायद हर वो जो फार्म 16 क्या मिलता है उस पर हर एक पर वो 500 रुपए शायद वहां जाते होंगे सीए साहब को। वो हमसे 2000 रुपए मेरे पिताजी से लेते थे और सबसे लेते थे, साल में एक बार भर जाते थे और बात खत्म हो जाती थी। धीमे धीमे आप हिंदुस्तान में जिस तरीके से, हाउ डेयर यू, मतलब आपने कैसे सीएस के बच्चों का सीएस कंपनी सेक्रेटरीज का तौहीन किया, मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट किसी को भी ये बात अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि आप अगर एक कवि हो तो कहीं पे भी जाकर कुछ भी आप हास्य रचना रचोगे क्या? मतलब अगर भाई कोई, आप किसी को आगे देख नहीं सकते हो तो कम से कम उसको ह्यूमिलेट तो मत करिए भाई। आपने इतना बड़ा शब्द भरी सभा में कैसे बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि वो प्रोफेशनल जो इतनी लंबी सफर तय करके इतना आगे मुकाम में पहुंचे हैं, जिनका शायद मे बी लाइवलीहुड भी उस कोर्स से अटैच्ड है, आपने उनको कैसे डिफेम किया, आपने कैसे उनको ह्यूमिलेट किया? मैं बिल्कुल, मतलब मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि लोग आज, मतलब इतनी भगदौड़ की दुनिया मच गई है कि लोग एक दूसरे को गिराने में, नीचा दिखाने में क्या हासिल कर लेंगे। और मैं ना इससे भी ज्यादा इस बात पे खफा हूँ और गुस्सा हूँ अपने बच्चों से कि भाई आज कल को कोई भी उठकर कुछ भी बोलेगा तो आप उसको अपने दिल पे ले लोगे क्या? दिल पे लेना छोड़ो, क्योंकि हमें पता है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के लिए हमें कितना मेहनत लगता है, वी नो इट। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, पूरा लॉ का बादशाह होता है। क्या ऐसा कौन सा लॉ है जो आपको नहीं आता? और बड़े बड़े कंपनी सीएस को हायर करते हैं कंपनी को चलाने के लिए, बिना सीएस के ना कंपनी चल नहीं सकता। तो आप एक कोर्स को दूसरे कोर्स के ऊपर ना सुपीरियर मत साबित करिए, क्योंकि सारे ही कोर्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर कोर्सेज, इफ एनीवन इज डूइंग, दे आर डूइंग बिकॉज दे हैव अ यू नो इंटरेस्ट एंड एपेटाइट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ये सब मत करिए, ये सब मत करिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप दूसरों के इमोशंस को हर्ट कर रहे हो। ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ भाई कि सीएस कोर्स जिस तरह से सीए सीएमए ये लोगों, ये सारे जितने भी कोर्स है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक्ट के रूप में पास किया है, आई होप यू नो दैट। तो सिमिलरली आपका जो कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स है ना, और जो आईसीएसआई का बॉडी जो उसको गवर्न करता है, दैट हैज ऑल्सो बीन पास अंडर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट विच हैज बीन पास बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो हाउ डेयर यू टू रेज अ क्वेश्चन ऑन द ऑथेंटिसिटी, ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज। आई डो नॉट बाई योर पॉइंट एट ऑल, आई डो नॉट बाई योर पॉइंट एट ऑल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो अपना डिफेमेटरी रिमार्क्स दिया है ना, इसके लिए प्लीज क्षमा याचना करिए पूरे सीएस कम्युनिटी से। और इनफैक्ट जो बच्चे सीएस एस्पिरेंट है या जो बच्चे ऑलरेडी सीएस कर रहे हैं, उन्हें आप प्लीज, उन्हें प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक एपोलॉजी जो है ना अपना कन्विक्शन दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी रॉन्ग टू डिफेम एनीवन डूइंग एनी काइंड ऑफ कोर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपको नहीं पता कंपनी कैसे चलता है, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के निकल जाते हो और इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं सोचते हो। तो भाई ये सब जो है ना बंद करिए, आपको समझ में आ रहा है? ये सब आपको इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। सो प्लीज स्टॉप डिफेमिंग एनी ऑफ द कोर्सेज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों कि प्लीज ये सब बातों पे हीड मत दो, अटेंशन ना दो। और आपका पढ़ाई अभी जो है ना, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स आ चुका है एंड मैं देख रही हूँ बच्चे काफी डिस्टर्ब्ड है इनके डिफेमेटरी रिमार्क को सुनकर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी भाई, इनको जो है ना ध्यान मत दीजिए, और हम आपके संग है। ठीक है, और हमेशा रहेंगे। तो मजजाल है कोई भी आपको डिफेम करके चल जाए, मैं देखती हूँ कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज अगर पता है मोहित सर होते ना तो वो भी पक्का यही बोलते। तो आप यही समझो भाई कि हमारे ऊपर ना किनका हाथ है, तो हमें कोई भी इस तरह से कुछ भी बोलकर नहीं जा सकता। ठीक है, सो यस वी आर देयर, एमईपीएल टीम इज देयर टू सपोर्ट यू गाइज। और हमें पता है यार कितना मेहनत लगता है, कितना खून पसीना लगता है सीएस बनने में, है ना? और उसके बाद जो लेवल ऑफ नॉलेज हमारे पास आता है ना भाई, दैट इज फिनोमिनल। क्लियर है? सो वी नो आवर वर्थ एंड यू नो वी डू नॉट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन एल्स। क्लियर? सो प्लीज गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड, बग अप योर सेल्फ गाइज, कम ऑन स्टडी वेरी क्विकली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।